हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अपलाइन चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम स्पेशली वीडियो बना रहे हैं सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, जो हमारी प्रीमियम प्लस मॉडल है, 2021 की सबसे लेटेस्ट मॉडल है। इसकी हमने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है और आज स्पेशली वो वीडियोस देख के हमारे यहाँ स्पेशली भोपाल से कस्टमर आए हुए हैं मशीन को देखने के लिए, डेमो लेने के लिए। मशीन कैसी है, कैसे ऑपरेट होती है, मशीन के अंदर से क्या कैसा क्वालिटी निकलता है, कैसा टेस्ट निकलता है, तो हम सर से थोड़ा बात करेंगे। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? सौरभ जैन। सर कहाँ से आए आप? भोपाल से। भोपाल से, एमपी भोपाल से आए हो। और कौन सी मशीन के लिए आया सर? प्रीमियम प्लस मॉडल के लिए, सॉफ्टी मशीन। प्रीमियम प्लस सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन के लिए आए। अच्छा, और आपका वीडियो देखा, उसको देख के मैं आपके पास आया हूँ। वीडियो कहाँ पे देखा सर आपने? यूट्यूब पे देखा मैंने। यूट्यूब पे आपने, और यूट्यूब पे वीडियो देख के यहाँ तक आप आ चुके हैं, गुजरात तक, फैक्ट्री तक हमारी है। सर, हमारे गुजरात में भावनगर में हमारा सिटी में फैक्ट्री है, यहाँ तक ये वीडियो देख के आ चुके हैं, क्योंकि इस टाइप की मशीन उन्होंने आसपास कहीं नहीं देखी, उसको उनको ऐसी मशीन कहीं देखने नहीं मिली, इसलिए वो सीधे गुजरात हमारे सिटी भावनगर में आए कि हम यहाँ जाके मशीन देखे, उनका क्वालिटी टेस्ट करे, और उसके बाद मशीन लेना है नहीं लेने का उसका आगे का डिसीजन लेवे जो भी है। तो सर, अभी हम आपको इसमें से आप जो स्पेशली आए तो हम आपको ये सब रेसिपी मिल्क और बना के आपको पूरा रेसिपी बना के मशीन में लगा के मशीन की सिस्टम समझाएंगे, टेस्ट कराएंगे, उसके बाद हमारे व्यूवर्स को आप अपना सजेशन बताना कि कैसे आपको चीज लगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हम इसमें फ्लेवर्स बनाएंगे, दो फ्लेवर से, एक वेनिला का फ्लेवर से, एक चॉकलेट का फ्लेवर से। सबसे पहले हम ये वेनिला का फ्लेवर डालेंगे इसके अंदर। हाफ केजी वेनिला यूज करेंगे हम, क्योंकि एक केजी वेनिला पे 4 लीटर मिल्क लगाना पड़ता है, इसलिए हम इसके अंदर हाफ केजी वेनिला डालेंगे और 2 लीटर मिल्क डालेंगे इसमें। हाफ केजी हमने वेनिला का पाउडर डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद हमें 500 ml का अमूल गोल्ड का मिल्क है, फुल क्रीम फैटी मिल्क है, 500 ग्राम का एक पैकेट है, इसे 4 पैकेट डालेंगे इसके अंदर हम। पैकेट हमने मिल्क डाल दिया इसके अंदर, 2 लीटर मिल्क कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको, इस टाइप का ब्लेंडर रहता है, इससे ब्लेंड करेंगे। ये ब्लेंडर भी हम मशीन के साथ कस्टमर को फ्री में देते हैं, इसलिए कस्टमर भी आसानी से इसको अच्छे से ब्लेंड कर सके। इसका टैंक है, टैंक में अपने इसको लोड कर देंगे। इसका थोड़ा आगे से लाइन में भी हम ले लेंगे इसको। अभी हम इसमें चॉकलेट का फ्लेवर से उसको बनाएंगे। वेनिला ऑलरेडी हमने बना के लोड कर दिया मशीन के अंदर, अब ये चॉकलेट का फ्लेवर से। इसको भी हम 500 ग्राम ले लेंगे।
इसके अंदर वापिस लोड कर देंगे इसके चॉकलेट के बाउल के अंदर। लोड हो चुका है, अब इसको थोड़ा लाइन में ले लेंगे। ये हो चुका है कंप्लीट लोडेड, आपका मटेरियल तैयार हो चुका है। अभी हम मशीन को फ्रीजिंग मोड पे रखेंगे, जो आइसक्रीम जमने के लिए स्टार्ट होता है इसको भी फ्रीजिंग मोड आएगा इसका। यहाँ पे फ्रीज का बटन दिया गया है, ये बटन दबाने से मशीन चालू हो जाएगी, अभी उसका कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा सब सिस्टम के कितना परसेंट आपका आइसक्रीम तैयार है। ये 33 का टेम्परेचर दिखा रहा है जहाँ पे आइसक्रीम जम रही है, 4 का टेम्परेचर बता रहा है जहाँ ऊपर का कंप्रेसर है वहाँ पे, और आइसक्रीम का शेप यहाँ पे 0 है। ये पूरा आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगा और ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाएगी और कट ऑफ हो जाएगी। अभी 10 से 12 मिनट का टाइम लेता है, 10 से 12 मिनट के अंदर आइसक्रीम बन के तैयार हो जाती है। फर्स्ट टाइम टाइम लेता है, एक बार तैयार होने के बाद आप मटेरियल डालो, निकालते रहो, डालो निकालते रहो, कंटिन्यूसली आप काम कर सकते हैं इसके अंदर। अभी जैसे ही 10 से 12 मिनट में तैयार होता है हम आपको फिर से वापस वीडियो में दिखा रहे हैं। आइसक्रीम बन के तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। अभी हम हमारे सर जो आए उनको आइसक्रीम टेस्ट करेंगे, आपके सामने आइसक्रीम निकालेंगे और उनको टेस्ट कराएंगे। यहाँ पे कोन होल्डर के अंदर हमने कोन भी लगा दिए है, अब यहाँ से हम कोन निकालेंगे और हमने जो वेनिला और चॉकलेट फ्लेवर है उनका मिक्स फ्लेवर टेस्ट कराएंगे सर को। वेनिला चॉकलेट का फ्लेवर निकला है, देख सकते हैं मिक्स में, लीजिए सर टेस्ट करिए। टेस्टी है। कैसा लगा सर, टेस्ट कैसा है आपको? बहुत टेस्टी है। अच्छा लगा? एकदम टॉप लेवल का टेस्ट है इसका और थिकनेस भी बहुत बढ़िया है। और जरा फिर से टेस्ट करिए, उसमें आइस आ रहा है जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को, बर्फ का या आइस का क्रिस्टल आ रहा है जरा भी उसके अंदर? 1% भी क्रिस्टल ना आइस कुछ भी नहीं इसके अंदर, एकदम क्रीमी लग रहा है आपको, क्रीमी और सॉफ्ट लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है। और हम सर एक चीज है, हमारे जो व्यूअर्स है उनको बता दे कि हमारी मशीन में सेम मैकडॉनल्ड्स टाइप का आइसक्रीम निकलता है, टेस्ट बनता है, तो वो जो एक्चुअल में है यहाँ पे लगा आपको टेस्ट? जी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है मुझे टेस्ट, मैकडॉनल्ड की तरह, मैकडॉनल्ड की तरह टेस्ट लग रहा है आपको इसके अंदर, बढ़िया लग रहा है। तो हमारे सर को हमने दिखाया, टेस्ट कराया उसका आइसक्रीम का क्वालिटी के कैसा इसके अंदर से आइसक्रीम निकलता है मशीन के अंदर से, ये पूरा मशीन के अंदर लगा के चेक करवा के पूरा दिखाया सर को हमने। ओके सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो।